All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना नेशनल इंटरनेशनल आम आदमी तक समस्या ही समस्या है, लेकिन गोदी मीडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है? अनन्या पांडे, देखो फिर से वही पागल कुत्तों की तरह दौड़ना शुरू। कल खबर आई तो ये देखो चालू हो गए। There are so many issues we are dealing as a country right now, but Godi media is all about drugs, साजिश, gang. WhatsApp chat खोलेंगे, drugs मंडली के राज। विल्ला पन चेक करो Godi media का, ये जाते हुए। और ये आते हुए। झूठ बोलो। As you all know that T20 World Cup is going on, India-Pakistan match is on Sunday, but some people are actually saying that do not play this game. मैंने कहा देश सबसे बड़ा, सबसे प्रथम, देश से बढ़कर कुछ नहीं खेलना, मत खेलो। पर यहाँ पे इस गोदी मीडिया की हिपोक्रेसी देखो। एक तरफ ये लोग हैशटैग चला रहे हैं कि बैन इंडिया पाकिस्तान मैच, बैन पाकिस्तान, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या हैशटैग। उसके पार्टी के आप हैं क्या? आप अपील करेंगे बीसीसीआई से, सौरभ गांगुली से, जयशाह से कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए, और जो मुहिम TV9 ने चलाई है उसको आप समर्थन करेंगे? और इन्हीं के चैनल पे T20 वर्ल्ड कप का एड चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है, चेक तो करो। Try to understand this, guys. It's all about money. That's it. जर्नलिज्म और जर्नलिज्म के एथिक्स की तो इन लोगों ने बत्ती बना के डाल ली। नहीं शिवाज सर, लेकिन क्या यहाँ प्रेशर डालने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर दलाली जिम्मेदारी के पहले आ गई, क्योंकि धंधा है पर गंदा है ये देखो स्पॉन्सर। मतलब सच में किसी ने सही कहा है कि एक ही तो गोदी है, कितनों को बिठाएंगे? ये 2 अक्टूबर का मैं दिखाना भूल गया, ये एक पत्रकार बोल रहा है देश के लोगों को। गांधी जी ने लिखने कहा या नहीं कहा, मेरे लिए तो ये मुद्दा ही नहीं है। ये राष्ट्रपिता के बारे में संबोधन कर रहा है। गांधी जी ने कह दिया तो ठीक हो जाएगा, और गांधी जी नहीं कहेंगे तो नहीं ठीक होगा। ये इस देश में नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने किया है, ये इस देश में नहीं चलेगा। आई मीन हाउ ही कैन गेट दैट मच ऑफ करेज। एक जो पिछले हफ्ते की नंबर एक गोदी था, उसको नाम बोलना भी नहीं आ रहा है। मोहनचंद करमदास, करमचंद, और इसको तो मतलब ये अलग ही लेवल पे। गांधी जी ने कह दिया तो ठीक हो जाएगा, और गांधी जी नहीं कहेंगे तो नहीं ठीक होगा, ये इस देश में नहीं चलेगा। खैर, गुल्लू ने इस बार भी फंबल किया है। पीएम योगी आई मीन डिड यू हियर व्हाट ही सेड? पीएम योगी। Whoa, गुल्लू इज हाई ऑन वीड। द नेम ऑफ द वीड इज मैं योगी की दीवानी। थोड़ी मजा रखिए। इट्स लाइक गुल्लू इज ट्राइंग टू कॉपी अंजना जी एंड रजत जी एट द सेम टाइम। मैं हूँ अंजना, हूँ पद्मा बपरी। पीएम योगी सेम टाइम आपा पापा योगी मोदी। पीएम योगी, पीएम मोदी और सीएम पद्मा बपरी स्टूडियो पर बहस हुई। एंड दिस वीक एवरीवन वाज शॉक्ड। क्यों, क्या हुआ? आई मीन व्हाट रूबिका जी डिड। मुझे तो वो 2017 का योगी आदित्यनाथ का बयान याद आता है, क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था और यकीन दिलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए ऐसा है कि अब यहां हुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा, अब राम राज्य की बारी आ गई है। जिन अपराधियों में आप खौफ नहीं ला पाए वो राज्य कैसे राम राज्य कहलाए? लोग सकते में आ गए कि रूबिका जी को हो क्या गया, ये क्या बोल रही है? साफ तौर पर इस बात का एहसास हो रहा है कि वहां हालात वाकई खराब है। गुंडों को पुलिस का खौफ है ही नहीं, उनको किसी बात का डर नहीं है। और खासकर महिलाओं से और उनके खिलाफ हो रहे अपराध में यूपी नंबर 1 पर बना हुआ है। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। पीपल आर एक्चुअली हैप्पी बिकॉज शी इज शोइंग द ट्रू जर्नलिज्म, बट 2 घंटे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है उत्तर प्रदेश में, हर 2 घंटे में ऑन एन एवरेज, और ये NCRB के आंकड़े हैं। एट द सेम टाइम दे वर शॉक्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर आप महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात करें, 20% का इजाफा आया है। देयर वाज अ मेजर चेंज एंड पीपल आर वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज नॉट बायस्ड हियर। और लोग ये भी उनके लिए सोशल मीडिया पे वॉरिड थे कि क्या रूबिका जी को सैलरी नहीं मिली क्या इस बार? चलता है। मुझे भी सरप्राइज है।
अरे रूबिका जी ने नहीं, अंजना ओ कश्यप जी ने भी सरप्राइज किया। जवाब देने दीजिए ना आपको, मुझे पर बाद में लोगों समझ गए अरे घरेलू झगड़ा है, आपस में लड़ लिए, अच्छे दोस्त हैं। पर आपको क्या बोलना है, आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे एंकर है और क्या है? You know guys, right now we all are struggling and facing the problem of inflation. पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से जो रोजमर्रा की चीजें वो महंगी होती चली जा रही है। आम आदमी पर महंगाई की मार एक के बाद एक पड़ती ही जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब दूसरी चीजों पर भी नजर आने लगा है। लेकिन आप तिहाड़ी को देखो। क्या देखो? मतलब दोनों संपादक इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। हाउ शेमलेस एंड स्पाइनलेस दीज पीपल आर, चेक आउट दिस ट्वीट ऑफ जी न्यूज। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है, #Pakistan #Pakistan पेट्रोल डीजल प्राइस। आई मीन इट्स अ क्राइम गाइस, इफ दे आर कॉलिंग देमसेल्फ्स न्यूज चैनल्स दे शुड से समथिंग इन द फेवर ऑफ कॉमन पीपल। जनता को शुद्ध रूप से चूतिया बनाते हैं लेकिन फिर भी जनता चूतिया बन रही है। एज यू ऑल नो दैट इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स वी गॉट 101 पोजीशन। प्रेस एंड द मीडिया शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। दलाल, दे आर सेविंग एंड डिफेंडिंग द गवर्नमेंट। आई मीन चेक आउट दिस तिहाड़ी। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया, लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता। कितनी बेशर्मी से दलाली की जा रही है और जनता भी देख रही है कि वो बंदा साफ साफ चूतिया बना रहा है कि यार देखो ये कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुछ नहीं होता है, ये हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है। अब मैं आपको बताता हूँ, यही बंदे ने बहुत सालों पहले एक ट्वीट लिखा था, चेक आउट दिस ट्वीट। दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये विचार तिहाड़ी को 2013 में आया था, अब नहीं आया है। एंड नाउ चेक आउट दिस ट्वीट। ओके, वो पुराना ट्वीट था जब चिचा की गवर्नमेंट नहीं थी, अब तिहाड़ी के एकदम नजरिए बदल गए। अब वो ये कह रहा है, इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इवन बिलीवेबल? क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। आई वॉज पर्सनली गोइंग ऑन तिहाड़ी टाइमलाइन एंड समबडी सेज दैट सर आई एम वॉचिंग योर चैनल फ्रॉम पान की दुकान। और तिहाड़ी क्या बोलता है, यहीं पर भारत बसता है इसीलिए इसके सपनों का भारत पान की दुकान पे बसता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब लोगों ने कहा कि अरे वहां पे कैंसर मिलता है ना, साथ ही साथ तिहाड़ी की बकचोदी भी चलती है। निजी कंपनी JSPL से 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे, उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में ऑलराइट, दिस इज द गोदी नंबर 1 ऑफ दिस वीक। मतलब गोदी मीडिया के सारे पत्तलकार, इनको सरकार क्या समझती है? झट भी नहीं समझते। इट्स सो डिप्रेसिंग दैट द वैल्यू ऑफ जर्नलिज्म इन आवर कंट्री इज झट। और यही आज की गोदी नंबर 1 क्या ऐसे उठाई गिरे लोग पत्रकारिता में आ गए, चढ़ के टैक्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, नाच नाच के रिपोर्टिंग करते हैं। मर्डर पेमेंट करने का केस दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड 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 कर रहे थे। जूते खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं। आई मीन दिस पागल पिल्ला ऑफ बागड़ बिल्ला इज ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ शेमलेसनेस। क्या यह है कि ना मर्यादा है ना संस्कार, कि ना मर्यादा है ना संस्कार? ऑनर एक पत्तलकार बोल रहा है, छठ लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया, छठ भी नहीं समझते। मतलब अगर आप बॉटम से नीचे से देखोगे तो इससे बेटर तो गुल्लू है, कम से कम थोड़ी मर्यादा तो रखता है। दिस इज आवर जर्नलिज्म गाइस। चलो पूरी बात सुन लेते हैं कि कह क्या रहा था ये। सरेंडर कर दिया है अराजक तत्व जो तालिबानी हैंगिंग पर गर्व महसूस करते हैं, वो अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झट भी नहीं समझते हैं। ओके गाइस, वी ऑल नो दैट प्रदीप भंडारी डिड दिस टाइप ऑफ शिट ऑन एयर, बट यार लेफ्ट राइट की बात छोड़ो, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, वहां पर भी लोगों ने आई सपोर्ट प्रदीप भंडारी ट्रेंड किया है। समझ रहे हो आप कि हम कितने बड़े संकट से गुजर रहे हैं? देश संकट में है। सो या गाइस, दैट वाज द गोदीज ऑफ दिस वीक एंड व्हाट वी कैन से, इट्स अ फाइट अगेंस्ट गोदी मीडिया। इफ यू लाइकिंग दिस प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाना लगा दिया तो करना। गेट द फक आउट ऑफ हियर।
कर सके, हम वहां से हट सके, लेकिन जो चाइना है वो यहां पर इसके लिए रेडी नहीं हुआ। दिस इज अ सीरियस कंसर्न गाइस एंड गोदी मीडिया शुड रेज दिस इशू बट दे आर नॉट। मिस्टर क्लीन चिट, ये हमारे प्रधानमंत्री को आज मैं नई उपाधि देना चाहता हूं। अपोजिशन पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत कम लोगों ने उसको कवर किया, लेकिन बात उन्होंने ये कही, मिस्टर क्लीन चिट ने चीन को एक क्लीन चिट दी 19 जून 2020 को, यह वक्तव्य देगा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जितनी बार इसको दोहराया जाए उतना कम होगा। यू नो गाइस, इट्स अ सीरियस मैटर एंड इट्स अबाउट अवर नेशनल सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री के वक्तव्य की कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई है, चाइना इज हियर टू स्टे, ये सवाल गोदी मीडिया तो पूछेगा नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया नहीं कोई गुस्सा हुआ है, तो ये आगे ऐसी बात क्यों कर रहा है विपक्ष? यहाँ हमारी कमी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बड़ी स्पष्ट तौर पे दिख रही है। जब चीन कहता है वी विल नॉट गो बैक, भूटान साइन अ पैक्ट विद चाइना, चीन भूटान से वो चुंबी घाटी वाला इलाका मांग रहा है और बदले में उसे एक दूसरा विवादित इलाका देने को तैयार है जो चुंबी घाटी के इलाके से कहीं बड़ा है। भूटान जो भारत का इतना अच्छा दोस्त है, इसने साइन क्यों किया पैक? चीन भूटान के साथ सौदा करने की कोशिश कर रहा है और ये सौदा भारत के हित में नहीं होगा। इस पर सवाल खड़े करना चाहिए, गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए, पर गोदी मीडिया सो रहा है। मेजर जनरल अस्थाना कहते हैं कि चिकन स्नैक का इलाका भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके में अगर चीन को थोड़ा सा भी लाभ होता है तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिस वीक समथिंग हॉरिबल हैपेंड एट सिंघू बॉर्डर। अ 35 ईयर ओल्ड मैन हार्ट टू डेथ एट द सिंघू बॉर्डर विद हिज। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने यही कहा था कि हम किसानों के साथ है, बाकी अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा या किसी तरह की हिंसा करेगा तो हम उसके पूरी तरह खिलाफ है। वैसे पिछले वीक एक वीडियो भी वायरल हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी का, किसी ने कहा मोदी जी को यही सुना दो। लेकिन हम किसानों के उचित मांग का समर्थन करते हैं और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। ओके गाइस।